केएफसी आ गया भाई, गए हुए थे बाहर तो मैंने उन्हें कहा कि आपसे भी केएफसी लेता है, तो ओ यार इतने बड़े यार शॉपर ने और इतना छोटा सा, ये तो सिंगर के पीछे आया है, सिंगर कहाँ गया आपको पता है, मुझे फेवरेट ब्रांड है वो सिंगर बर्ग, ये रहा सिंगर। अस्सलामुअलैकुम, अभी टाइम हो रहा है 2:00 कुछ टाइम हो रहा है, तो ये देखिए सुहान अहमद बिल्कुल फ्रेश है, ऐसे जाग रहे हैं जैसे ये इनके लिए सुबह मॉर्निंग है। आज मैं नहीं छोड़ूंगी मम्मा, क्यों नहीं, आज मैं नहीं छोड़ूंगी, इसका मतलब आज मम्मा खा जाएगी, मम्मा चुड़ैल बन गई है। देखिए आप उसको सैरी बना लो, देर ना हो जाए, फिर ये ना हो, अभी अभी टाइम रहता है थोड़ा सा, एक टांग के साथ जाऊंगा दही लेने के लिए, आज लगना दही लेके आएगा, पता तुझे आज लगना दही लेके आएगा, देखना अच्छा सा दही मलाई डाल के, बस जो आएगा वो भी दही आएगा, दही नहीं होगा वो लस्सी बन जाएगी, लगड़ा लेके आएगा ना ऐसे चलते चलते जब आएगा ना तो लस्सी बन जाएगी, अब लस्सी भी होगी अच्छी भी होगी। इनको जगाने में ना आपका पूरा हाथ है, आप उसको टच वच कर देते हो तो वो उठ के फौरन से बैठ जाता है। अब आप उसको सुलाओ, मुझे रात को जब ये सो रहा था तभी इस पे प्यार आता है, तो फिर मैंने तो करना ही है ना, दिखाया करें इतना प्यार, इतना प्यार ना दिखाया करें, जो बेटे मामा जो है ना वो हमारे खिलाफ हो गई, अब हम जा रहे हैं, अब हम जाते हैं, चलो हम इस तरह करते हैं, चलो घूम के आते हैं, कहाँ जा रहे हो, ये कौन सा बाहर, वहाँ पे गार्डन है कोई, सुहान अहमद देखिए सुहान अहमद को हेलो कर दो, ये बाय बाय भी करता है, बाय बाय सुहान अहमद, बाय बाय कर दो, बचपन में आपको खिलाने क्या खाना है मुझे ये बताओ, मैं आपके लिए कीमे वाले पराठे बनाऊंगी यार, प्लीज नहीं मैंने इतने प्यार से, आप कीमे वाले कितने पराठे बनाओगे, आप कितने खाओगे, अल्लाह माफ करे तीन नहीं बस एक ही बनाऊंगी, एक पराठा वो तो मेरे जगह भी गीली नहीं होनी, साइड वाली गीली हम पानी से कर देंगे, हाँ ये ठीक है, आपकी बात मुझे पसंद नहीं आई, सैरी का टाइम हो रहा है तो जो है जल्दी से जो है वो कर, जुहान अपने बाबा के साथ इस वक्त जुहान साहब प्लेइंग के मूड में है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितना प्यारा कुर्ता लगा हुआ मेरे बेटे ने, आज तो जुमा था, जुमा पढ़ के आया है जुहान में, ये देखिए ये मोबाइल जाता है माशाल्लाह से उधर ही मुंह करता है, ये देखें ये टेक्निक्स हैं, ये बच्चों की अपनी तरफ करने की टेक्निक्स हैं, तो अब ये देखें यहाँ से हमारा पोज कितना प्यारा आ रहा है, जुबान को हिचकी लगी हुई है, मिलती है आपसे बस सही के वक्त, देसी घी रोटियाँ क्या बना रही हो, रोटी, ओह माय गॉड, मेरा ख्याल है ये कीमा है तो आज तो मज़ा आने वाला है, नहीं जी मैं तो कहता था ना कि जो है 10 मरले मकान का नक्शा है, कम से कम आप गौर से देखें तो 10 मरले मकान का नक्शा है, अभी इस पर बनाने के बावजूद आपकी रोटी टेढ़ी क्यों है, क्योंकि आटा ठंडा है, अच्छा आटा ठंडा, ओह माय गॉड, हाँ शहरी में ज़्यादा चीज़ें नहीं होती जी, नहीं बात बात चली है, तो बहरहाल ये है कि देसी घी ज़रूर होता है, और कुछ हो ना हो देसी घी इसमें ज़रूर नहीं होता है ना, मैं ठीक कह रहा हूँ ना जी, राइट, इसका मतलब जो है मुझे मिलता है करोड़पति होने का इनाम, तो देसी घी जो है ना हमने जो खाना है ना वो देसी घी खाना है, तो अभी जो है वो रोटी करवा कर तैयार हो रही है, साथ में शहरी में देसी घी की रोटी ना खाई तो मज़ा कैसे आएगा, गोल है गोल है, ये गोल से गोल है, फुटबॉल का गोल है या वैसे गोल, थोड़ी सी यहाँ से होगी वैसे गोल ही है, ऐसे गोल ही कहते हैं जी लड़कियों की जुबान में, इसे गोल ही कहते हैं, तो आपने इसे गोली मारना है, ऑलराइट बिल्कुल ठीक है, हालांकि साइड पे जो मैं बताऊंगा, बहुत सारी लस्सियाँ पी होंगी, ये मेरी जो बेगम है ये अनोखे काम करती है, आज जमशेद जी मेरी लस्सी देखें आप, पहली बार इंट्रोड्यूस मार्केट में करवा रही हैं जमशेद वाली लस्सी, और लस्सी के बिल्कुल बाद फौरन बाद गुड़ वाली चाय गुड़ वाली चाय, हाँ जी सुबह का वक्त है और इस वक्त जो है वो बाहर आप देखेंगे हल्की हल्की ठंड है, और मौसम जो है वो समझ लें कि स्पैगिया मौसम हुआ है, जी हम तो निकल पड़े हैं जैसे कहते हैं ना तेरी तो निकल पड़ी, इस तरह हमारी भी निकल पड़ी पर गाड़ी,
जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जो है वो जा रहा हूँ, और रास्ते में अब मैं हिल भी रहा क्योंकि जंप है काफ़ी ज़्यादा, जो है रोड यहाँ पे टूटा हुआ है, तो टूटे हुए रोड पे कभी भी आप जो है हिले बगैर नहीं जा सकते। सुकूल कंस्ट्रक्शन का काम मेरा ख्याल है रुका हुआ है, किसी का हो गया और किसी का रुक गया है। मम्मा वालदा जो है वो अम्मा ये हमारे घर काम करती थी, तो अब ये बूढ़ी हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अब जो है हम इनको जो है वो काम मतलब नहीं करती, तो इसलिए जो है ना वो अम्मा वालदा जो है ना वो उनको जो है वो फिर इसलिए सदका वगैरह दे देती हैं, क्योंकि ना इनका मियाँ है तो ना कुछ और। तो देखें जी कैसे बच्चे जो है, ये वैसे भी गांव का माहौल तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है। फलांग का दिखाओ रस्सी, बच्चों ने रस्सी पकड़ी हुई थी, हम आए हैं तो उन्होंने ये रस्सी जो है ना छोड़ दी है, तो रस्सा खोल दिया उन्होंने हमारे लिए, तो इसका मतलब है तमाम चीज़ें क्लियर हैं कि जब तुम आओगे तो रस्ते खुलेंगे, अगर नहीं आओगे तो रस्ते नहीं खुलेंगे। गेट खोल रहा है, ये बचपन में हमारे लिए काका था और आज भी काका है।